नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, इस्लामिक मुल्कों का खलीफा बनने के सपने देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से अब देश नहीं संभल रहा है। आपको बता दें कि तुर्की में बीते साल महंगाई 19 साल में सबसे अधिक 36.1% रहा है। वहीं जब तुर्की की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई सबके सामने आने से राष्ट्रपति एर्दोगन भड़क उठे और उन्होंने आंकड़े जारी करने वाली एजेंसी के प्रमुख को ही बर्खास्त कर दिया है, जिससे साफ पता चलता है कि तुर्की भी अब नॉर्थ कोरिया की राह पर चल रहा है। इससे पहले जुलाई 2019 में एर्दोगन तुर्की के केंद्रीय बैंक के प्रमुख को भी बर्खास्त कर दिया था। अल जजीरा की खबर के मुताबिक एर्दोगन ने आंकड़े बताने वाले संस्थान तुर्क के प्रमुख सैयद इर्दाल डीसर को बर्खास्त कर दिया है। एर्दोगन अक्सर उच्च ब्याज दरों की महंगाई के लिए जिम्मेदार बताते रहे, जो परंपरागत आर्थिक सोच के ठीक विपरीत है। साल 2021 में महंगाई के आंकड़े हाल ही में आए हैं और इससे सरकार समर्थन और विपक्षी सीमा दोनों ही डीसर से नाराज है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि डीसर का 36.1% महंगाई का आंकड़ा भी कम है। उन्होंने कहा कि देश में रहने का खर्च कम से कम दोगुना हो गया है। उधर एर्दोगन ने कथित रूप से आंकड़े जारी करने वाली एजेंसी की कड़ी आलोचना की और कहा कि इस आंकड़े में को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उधर डीसर की एक बात एहसास हो गया था कि उन्हें हटाया जा सकता है। इसी महीने एक इंटरव्यू में डीसर ने कहा था कि मैं अभी इस ऑफिस में बैठा हूं, कल यहां पर और कोई हो बैठ सकता है। वहीं तुर्की ने अब इरहान सेतिकिया को डीसर के जगह पर एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। यह एजेंसी अब जनवरी का महंगाई आंकड़ा 3 फरवरी को जारी करने वाला है। एर्दोगन के कार्यकाल में महंगाई हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है। रॉयटर्स का अनुमान है कि जनवरी महीने में महंगाई 47% तक पहुंच सकती है। एर्दोगन इन दिनों तुर्की की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कई तरह का प्रयोग भी कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर आपका क्या राय, क्या सच में एर्दोगन तुर्की को बचा पाएंगे कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों।